लास्ट सेशन में मैंने न्यूमेरिकल कैपिटल्स के कुछ करवाए थे, जो कॉम्बिनेशन बेस्ड बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 22 है, जो मैंने आपके ग्रुप में भेजा था एक सर्किट लेके, वन माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन सेम है, आपको निकालना है सी ए बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी। सिमिलर एक क्वेश्चन ले लें, साइड में क्वेश्चन और ले लिया, ए बी वन माइक्रोफेरेड और 2.5। समय आपको निकालना है, थर्ड एक ऐसे दिया है, थ्री माइक्रोफेरेड। यहां पर सेम क्वेश्चन है, सी ए बी निकालना है। इन चीजों को ध्यान दीजिए, सी ए बी मीन्स ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था ये डिफरेंट सर्किट डायग्राम दे हैं जिनमें कई कैपेसिटर लगे हैं। देखिए, 1 1 1 माइक्रोफेरेड के, 3 माइक्रोफेरेड का, यहां 1 1 1 1 और 2.5। मैंने एक बात किया था कि इनके सॉल्यूशन के लिए आपको परिपथ का रिफॉर्मेशन करना होगा, रिफॉर्म अपने तरीके से, जिससे आप आसानी से समझ सकते। इस चीज को ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिमिलर चीज है, यहां से चलने वाली करंट, अब याद समझिए, यहां से चलने वाली करंट यहां से 3 पार्ट में डिवाइड होगी, 2 पार्ट में सॉरी डिवाइड होगी, I1 और ये I2, फिर I2 फिर 2 पार्ट में डिवाइड होगी। यहां इसको मैं रिफॉर्म कर रहा हूं, इसको देखिए, ये हो गया, ये आपका हो गया, यहां से
इस चीज को समझिए, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड और आकर के 3। देखिए सेम है, यहां से करंट चली आई एम्पीयर जो मैंने बताया था, इसमें आई वन हो गई, इसमें आई टू हो गई, फिर आई टू आई थ्री में डिवाइड हो गई और आई फोर में डिवाइड हो गई। आई थ्री यहां से डिवाइड होती है देखिए, यहां से करंट डिवाइड हुई, ए हो गया, बी हो गया, इसको आप सी कह लीजिए, इसको डी कह लीजिए, यहां से करंट आई चली, दो पार्ट में डिवाइड हुई आई टू और आई वन, आई टू जाकर के पॉइंट सी पे पहुंची, सी से आई थ्री और आई फोर में डिवाइड हो गई, आई थ्री और आई फोर में, और फिर यहां जुड़ गई। सिमिलर पार्ट इसका सोल्यूशन का देखिए, यहां से आफ्टर रिफॉर्मेशन अगर यहां से चले तो एक पार्ट ये हुआ, दो कैपेसिटर लगे आगे, यहां से आगे जाने पर फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आगे टू पार्ट, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, इस पार्ट को देखिए, इसको चेंज करें, आप ये मान के चलिएगा कि ये जो परिपथ बना है ये कनेक्ट ऐसे हैं, ये जो पोर्शन है ये कनेक्टिंग वायर मान के चलिए ऐसे, ये ज्वाइंट सब लूज है, ध्यान दीजिएगा, आप इसी तरह कंसीडर करके चले तो आपको ये दिखेगा यहां इस पॉइंट के थ्रू करेंट आई, यहां से दो पार्ट में हो गए आई वन और आई टू, और ये सेम करेंट आई आई वन और इधर से आई टू आकर के फिर आ गए। तब अगर इसको रिफॉर्म करें ऐसे, इसको ऐसे रिफॉर्म कर दे तो इसको ये दिखा सकते हैं, ए हो गया, ए से चले ये पॉइंट को सी कह लिया, इसको डी कह लिया, ए से कहां पहुंचे 3 माइक्रोफेरेड का लगा है, इसके पहुंचे सी, सी से दो वे हो गए, एक वे में 3 3 3 ऐसे 3 3 3 3 3 3 3 माइक्रोफेरेड और इसको टू। इन सर्किट्स को चेंज करने के बाद अब आप समझिए, जब परिपथ को रिफॉर्म कर लिया, अगला क्वेश्चन आता है हम सबसे पहले किसको ट्रेस करेंगे, किसको सबसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इनमें देखना होगा। हमने बताया था कि इन सर्किट डायग्राम में सबसे पहले इंटरनल पार्ट में जाइए, सबसे इनर जो सर्किट है, सबसे इनर ये है, सी और डी के बीच दो कैपेसिटर लगे हैं, ये 1 1 1 1 माइक्रोफेरेड, ये दोनों के सेम में पैरेलल हैं। अब इनका नाम डाल दें, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये C3 हो गया और ये C। हम क्या लिखेंगे, C1 व C2 इसमें समांतर में, इनका तुल्य C1 डैश, तो C1 डैश बराबर C1 प्लस C2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। और उस स्थिति में ये
सर्किट चेंज हो जाएगा, ये C1 डैश कितना होगा दो का और C3 वन का है, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे C1 डैश C3, C1 डैश हुआ C3 समांतर में, इनका तुल्य C3 डैश, तो C3 डैश इज इक्वल टू C1 डैश प्लस C3, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब यही सर्किट डायग्राम बन जाएगा, 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड, ये दोनों किसमें हैं, यहां ये बन गया C3 डैश, C3 डैश यहां क्या लिखेंगे, C3 डैश हुआ C4 किसमें है श्रेणी में, इनका तुल्य क्या आएगा, इनका तुल्य C हो तो टू बाई थ्री, इसलिए CAB इज इक्वल टू 3/2 माइक्रो। आगे के क्वेश्चन में दी जाना स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग द सर्किट डायग्राम ऑफ कैपेसिटेंस, मैंने पॉइंट वाइज आगे बताया, सबसे पहले मैंने C1 C2 को सॉल्व किया, नेक्स्ट सर्किट बन गया, हर स्टेप वाइज सिंप्लीफिकेशन होगा और स्टेप वाइज सॉल्व करने के बाद वो सर्किट सिंप्लीफाइड होगा, जैसे C1 C2 जैसे जैसे सिंपली सिंपल करते जाएंगे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सिंपल सर्किट में बदलता है। C1 C2 पहले हुए 1 1 2, दिस सर्किट रिफॉर्म टू दिस, सरल हो गया, ये दोनों पहले हमने दिख रहे हैं 2 और 1 3 हो गया, ये सर सबसे सिंपल हो गया दोनों, तो जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाए वैसे वैसे सर्किट डायग्राम को बदलते जाए और सिंपल सर्किट को बदलते जाए। अब सेकंड पार्ट में हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले मैं पूरा लगा देता हूं, दिख रहा होगा पैनल और पैनल होंगे तो 1 1 पैनल में उल्टा चलता, सीरीज में घटता है और पैरेलल में बढ़ता है, तो 1 1 कितना हो गया, बराबर के दो लगे हैं डबल हो जाएगा, बराबर के 3 लगे हैं ट्रिपल हो जाएगा, सीरीज में बराबर के 2 लगे हैं हाफ हो जाएगा, क्लियर, 1 1 2 ये आपका 2 माइक्रोफेरेड, ये 1 1 2 और यहां पर 1 1 सीरीज एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, ये सीरीज में है पैरेलल है 1 1 2 हो गया और सॉरी ये पैरेलल में 1 1 2 हुआ, ये सीरीज में 1 1 हाफ, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये 2 1/2 है पैरेलल में है, इसको सॉल्व करेंगे पैरेलल में है दोनों जोड़ देंगे 2 प्लस 0.5 क्या बना 2.5 बना, ये 2.5 पहले से था और सीरीज में दो अगर लगे हैं इक्वल के तो इनका नेट आएगा CAB इज इक्वल टू 2.5/2 इज इक्वल टू 1.25। देखिए बिना लिखे आपको लिखना है, इसी आप क्या लिखेंगे, यहां पर C1 हुआ ये C2 हुआ C3 हुआ C4 हुआ C5, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, C1 C2 समांतर में इनका तुल्य ऐसे C1 C2 समांतर में इनका तुल्य C1 डैश बराबर
वन प्लस वन, साथ में सी थ्री सी फोर सीरीज में है, इनका इक्वेलेंस सी थ्री डैश हो तो सी थ्री डैश वन बाई सी थ्री डैश इज इक्वल टू वन प्लस वन, वन बाई टू, वन बाई वन प्लस वन बाई वन टू हो गया, तो सी थ्री डैश इज इक्वल टू हाफ हो गया। फिर क्या कहेंगे, इसका नाम नया डाल दिया सी वन डैश और ये क्या हो गया सी थ्री डैश। आप लिखेंगे सी वन डैश सी थ्री डैश पैरेलल में, सी वन डबल डैश हो और ये तो सी फाइव और ये आपका सी फाइव, इसको अब सी वन डबल डैश और सी फाइव श्रेणी में है। बिल्कुल सिंपली सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव, पहले क्वेश्चंस को सर्किट डायग्राम को रिफॉर्म करिए, पहला दिमाग लगा करके आप इनको रिफॉर्म करिए और रिफॉर्म करने के बाद आप ये देखिए कैसे हम किसको सबसे पहले जोड़ सकते हैं। ये दिख रहे हैं सीरीज में तीन कैपेसिटर्स अगर इक्वल कैपेसिटी के लगे हैं तो उनका इक्विवेलेंट वन बाई थ्री हो जाएगा ऑफ ईच, थ्री थ्री माइक्रो फैरेड के थ्री लगे तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा वन। देन सर्किट डायग्राम विल बी एज, ये C2 डैश इज इक्वल टू वन हो गया और ये आपका है C5 को दिखने भी लगा होगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल है वन और टू थ्री, वन और टू थ्री और आप समझ सकते हो इसके बाद लास्ट में इन दोनों का थ्री थ्री यानी है, इसके बाद यहां जाएंगे सीरीज में है वन बाई सी ए बी इक्वल टू वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री टू बाई थ्री, तो सी ए बी आ गया थ्री। मैंने एक साथ सबको इसमें पूरा मैंने डिटेल दिया है, एक बार इन क्वेश्चंस को फिर ये चीज आपको समझनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ करेंट डिविजन या चार। महत्वपूर्ण घटक सब में ये है, जिस टाइम आप ये समझ लेंगे अपने अनुसार रिफॉर्म करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से इनको समझना ही होगा। इसी क्रम में आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट का मतलब है आप एग्जाम से मैं समझिएगा इंपॉर्टेंट का मतलब इनको लर्न के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट है।
सब सी हुआ, यह सी वन है, यह सी वन है, ये सी टू है, ये सी टू है। यहां पर सी वन की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड है और सी टू की वैल्यू 3। और इसके बीच वोल्टेज दे रखा है 5000। तो आपको क्यू लिखना है, एक और क्वेश्चन। यहां दिया है सी ए बी इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड है, तो आपको सी मिलेगा। दो क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, ये कह सकते यहां पर सी वन सी टू के नाम से दे दिए, और चाहे कह लीजिए सी वन सी टू थ्री है, थ्री 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 और ये बिल्कुल वैसे ही। इसको सॉल्व करने का तरीका समझने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। आप इधर देखिए, करंट इधर के थ्रू इंटर हुई, यहां तक आई, ये आई वन हो गई, ये आई वन हुई, आई वन आगे पहुंची, ये आई थ्री हो गई और ये आई वन। सबसे पहले एक सिरे से चलने वाली करंट को लीजिए और इधर से फिर घूम करके निकलेगी आई ही, थ्रू टर्मिनल ए इंटर करती है, अगले टर्मिनल पहुंची, दो पार्ट डिवाइड हुई, अगले में ये पहुंची, फिर दो पार्ट डिवाइड हुई। अब ये देखिए, ये जो आई थ्री जाएगी इसमें भी आई थ्री होगी और यहां तक आई थ्री होगी। कंसेप्ट बिल्कुल दूसरे टाइप का, क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, कंसेप्ट सेम है। सबसे पहले हमने बताया था कि हम इनर पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए सीरीज में खास बात होती है, सब पर चार्ज या करंट सेम है। टॉपिक पकड़िए, जिन जिन में करंट से वे आपस में सीरीज में होंगे। ये तीनों किसमें हुए सीरीज, थ्री थ्री थ्री। हम एक लाइन लिखे दे रहे, अब चूंकि यहां पर नाम सेम ही है, नेम सेम है, सी टू सी टू सी टू, तो लिखने में मुश्किल होगा, तो हमने ऐसे रिंग कर दिया। ये किसमें होंगे, श्रेणी में है, उस श्रेणी में होंगे, तो थ्री 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 वन। तो मैं जरा इनके नाम नेम डालू, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और ये वाला पार्ट अलग है, ये ई है और ये एफ है, ये आपका दो। इस पार्ट को हम ऐसे दिखा रहे हैं, अब ये वन माइक्रो, आगे का पार्ट से क्या देखिए, वन टू कंप्लीट लूप हुई है। अब देखिए इतना कुछ ए बी सी और डी, सी डी पार्ट हुए, ई एफ तक हो गए, ये वाला पार्ट सॉरी
एक था ये थ्री। अब इनमें देखिए ये ई और एफ के बीच जुड़े हैं, दोनों आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे, देख लीजिए ये कैसे होंगे, ये दोनों हम लिखे दे रहे हैं, ये तीनों श्रेणी में, ये किसमें, ये भाषा में आपको लिखना है, तो इनका टू और वन थ्री हो जाएगा। अब तीसरा सर्किट बना ई एफ के बीच, ये कितना हो गया थ्री, आगे कोई रहे थ्री है, ये थ्री है, ये आपका हो गया सी हो गया डी हो गया, दो का लगा है थ्री 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 वन हुआ, और फिर वन और टू पैरेलल पे, सेम चीज इसकी पुनरावृत्ति होना है। देखिए ये तीनों किसमें होंगे श्रेणी में, तो श्रेणी में थ्री 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 वन ये पोजीशन ऐसे है, सी और डी के बीच में ऐसे रहेगा, ये दो का है सी और डी के बीच, ये थ्री 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 वन हो जाएगा, ये आपका थ्री को होगा, ये दोनों किसमें होंगे समांतर, ये दोनों किसमें थे समांतर, तो समांतर में टू और वन ये आपका सी हुआ, ये डी हुआ, ये फिर ए हुआ, और ये आप देखिए इधर के थ्रू टर्मिनल ए करंट आई आएगी सही होंगे। अब यहां तीनों किसमें होंगे सही होंगे, तीनों किसमें हुए सही, और तीनों श्रेणी में हुए तो वन अपॉन सी ए बी इज इक्वल टू वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री बाय थ्री, तो सी ए बी कितना आ गया वन माइक्रो फैरेड, एक आपका आंसर। अब ए और बी के बीच तुल्यधारिता इतनी होगी, लास्ट में हम ये कह दें इसको यूं बना लें, ए हो गया और ए क्या हो गया, ये सी ए बी है कितना वन, और इसके बीच वोल्टेज कितना है 5000। तो संधारित्र पर संचित आवेश Q बराबर क्या होगा C, कितना है 1 माइक्रो फैराड इंटू 5000 माइक्रो कूलम। इस टाइप ये और लंबा हो सकता है, लंबा होने के लिए इसमें सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन को इधर से इसको सॉल्व करें, उधर से नहीं सॉल्व। तो मैंने इसी में लैंग्वेज नहीं लिखी है, मेंशन कर दिया ये तीनों श्रेणी में, जब दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कुल धारिता निकल आएगी, तो जब धारिता निकल आएगी उनको सीएबी निकालना है, जब सी ए बी निकल आएगा तो क्यू बराबर सी बी से क्यू निकल आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इस क्वेश्चन में 24 नंबर में याद रखिए एक अननोन कैपेसिटेंस दिया है, अगर ये भी दिया होता तो कहता कि ए और बी के बीच का निकालिए, तो
तुल्य धारिता निकालो। अब चूंकि यहां पर यह अननोन है तो यहां पर क्या दिया है, सेबी दिया हुआ है आपको सेबी, तो हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इतने पार्ट गोले वाले पार्ट, इसके भी तुल्य धारिता निकालेंगे, वो जितनी आएगी वो इसके साथ सीरीज में होगी। अगर ये दिया होता तो इसकी तुल्य धारिता और ये सीरीज में होते, दोनों को सीरीज में जोड़ लेते, ये और बी की भी तुल्य धारिता निकालते। अब क्या करेंगे हम इसके बीच निकालेंगे, काम वही करेंगे हम, ए और बी के बीच तुल्य धारिता यहां दे रखी है 1/2। चलिए इस सर्किट को भी हम रिफॉर्म करते हैं, इधर से ए से चले सी आ गया, आगे सी, ये पॉइंट आ गया, इसको कह लें हम डी, डी कह लिए, डी से दो वे हो गए, वे एक वे में दो माइक्रोफेरेड लगा, यहां पहुंचे एक ई हो, क्या हुआ ई, ई से आगे फिर दो पैरेलल, ए राशि से दो है, फिर वन वन हो गए, वन माइक्रोफेरेड, वन माइक्रोफेरेड यहां पहुंच गए, तो यहां पर ये टर्मिनल क्या हुआ बी, मिला लीजिए सी, एक बार डी पहुंचे और डी से फिर ये ई आ गया, ई में दो पैरेलल लगे, आप इसको एफ कह लीजिए, जो एफ होगा तो ये भी होगा, दूसरा वे लेके चलिए दो माइक्रोफेरेड, यहां पहुंचे एफ कह लिए और एफ से दो वे हुए, दो फिर दो दो के देख लीजिए सर, अच्छे से देखिए, ये चलिए थ्रू टर्मिनल ए चले, सी अनोन लगा, अगला पॉइंट डी आ गया, डी से दो मार्ग हो गए, अगर करंट यहां आई आई आ रही है तो ये आई वन हो गई, ये आई टू जाके फिर दो दो माइक्रो फेरेड पे जाती है, फिर आगे दो में डिवाइड हो गई, फिर आगे केवल इनका सेप चेंज नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, आप चाहे इसमें नाम डाल लीजिए, ये सी वन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है, ये सी फोर, ये सी फाइव, ये सी सिक्स, सी सेवन, सी एट लगे, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आइए सबसे पहले इन दो को सॉल्व करें, ये और ये, इसका डिटेल में लिख रहा हूं, सी फोर सी फाइव श्रेणी में, सी फोर व सी फाइव श्रेणी, इनका तुल्य कितना हुआ सी फोर डैश, तो आ गया 2 + 2 2 by 2 = 1, तो C4′ = 1 microfarad, C6 C8 समांतर में है,
तुल्य सी सिक्स डैश होगा, तो सी सिक्स डैश इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। परिपथ चेंज करेंगे, परिपथ अगर चेंज करें C1 इज इक्वल टू C, आगे C2 इज इक्वल टू 2, C3 इज इक्वल टू 1, C4 डैश इज इक्वल टू 1, C7, फिर C6 इज इक्वल टू 1, नहीं जुड़ जाएगा, C6 डैश इज इक्वल टू 1 + देख रहा, ये दोनों जुड़ गए, 2 + 1 हो गया। अब आप देखिए, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये दोनों सड़ी 2 + 2 = 1 और 1 + 1 = 2 C1 इज इक्वल टू C, यहां पहुंचे C2 2, C3 - इज इक्वल टू 2 और 2 + 2 = 1। देखिए सड़ी में 2 + 2 = 1 हो गया, इसको C7 - इज इक्वल टू 1 हुआ और ये C3 - इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, ये 2 + 2 = 1, 2 + 2 = 1, ये बन जाएगा A, C1 C है, ये हो जाएगा C2 - इज इक्वल टू 1 और नीचे C7 - इज इक्वल टू 1, ऐसे ये 1 1/2 A, C1 C और C2 - हाफ। अब यहां से ए व बी के बीच तुल्य धारिता सी बी, तो 1/CAB इज इक्वल टू 1/C और प्लस 1/C + 2 और 1/CB। चूंकि CAB की वैल्यू दे रखी है, यहां से भी एक वैल्यू दे रखी थी 1/1 = 1/C, इस तरह से हम मुश्किल सर्किट को सिंप्लीफाई करके आप उनकी तुल्य धारिता निकालते हैं। यहां पर तुल्य धारिता दे रहा था तो हमने अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली,
तो प्रयास करिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जिस टाइम आप इसको सॉल्व करने लगेंगे, सॉल्व रिफॉर्म कर लेंगे, इस पे मेहनत करिए, आपको सर्किट को रिफॉर्म करना आएगा। और जो नहीं आए उसको आप ग्रुप पर मेंशन करिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपने समझ लिया, सोच लीजिए कैप्चर्स के क्वेश्चंस में, इनके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब फॉर्मूले बेस्ड हैं। थैंक यू।